नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो पति के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधानों से संबंधित है। इसके अलावा किसी और तरह की अगर कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, और क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, पति के खिलाफ हिंसा से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन खुल चुकी हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। पति के खिलाफ हिंसा से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं, क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बेहतर कानूनी विकल्प हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पति के खिलाफ हिंसा से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा तो अब आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से, मेरे साथ राकेश तिवारी जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही इलाहाबाद से स्मृति कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत राकेश तिवारी जी आपसे, क्या कानूनी प्रावधान है पति के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानून के तहत? देखिए, ऐसा है कि जो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पति उसको अवेल कर सकता है, आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शंस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के किस प्रकार का कोई लिटिगेशन राइज होता है, कोई फॉल्स एफआईआर दर्ज होती है जैसे डॉवरी एक्ट के अंदर होता है या फिर 498A के अंतर्गत होता है, अगर ये कोर्ट में हस्बैंड प्रूफ कर गया कि वो जो जितने भी एलिगेशंस थे वो बेसलेस थे, फ्रिवोलस थे, तो उसको है जो है आईपीसी के सेक्शन जो है 191 में है, उसके बाद 193 है, फिर 211 है, उसमें कई सारे जो सेक्शंस में प्रोविजन है कि आप अगर फॉल्स एविडेंस कोर्ट में देते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है, अगर आप फ्रिबुलस डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में देते हैं उसके लिए जो है प्रोविजन है, अगर आप कुछ ऐसे बेसलेस जो है कंप्लेंट फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट में, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं या फिर उसको डिफेमेट करते हैं तो उसके लिए भी जो है आईपीसी में प्रोविजन है, तो वो सेक्शंस के अंतर्गत वो एक डिफेंस ले सकता है, वो उसको रेमेडी वहां मिलेगी। स्पेसिफिकली जैसे फीमेल्स के लिए प्रोविजन आईपीसी में ऐड किया गया 1986 में 498A ऐड किया गया, उसके अलावा जो है आईपीसी में 304B जो है डॉवरी से जुड़े हुए जो डेथ के इश्यूज होते हैं उसमें इंस्टेंट अरेस्ट होता है हस्बैंड को, तो वैसे ऐसा कोई जो है प्रोविजन नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया कि 191 आईपीसी का है, फिर 211 है, फिर 186 है, तो इस तरीके से उसका जो है डिफेंस वो ले सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर
क्रुएल्टी, चूंकि ये वाइड डिफिनेशन है, इसको हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते. ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से केस टू केस वेरी करता है. कई केसों में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई डिफरेंट डिफरेंट केसों में क्रुएल्टी की डिफिनेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. लेकिन अब जो जो जनरली ये जो एक्ट्स बनाए गए जो ये फीमेल ओरिएंटेड हैं, मतलब जैसा ये सोसाइटी का एक प्रिजम्पशन था कि जो है विक्टिम हो हमेशा फीमेल ही हो सकती है, मेल नहीं हो सकता. और ऐसा डेवलपमेंट था, इसीलिए आईपीसी के प्रोविजंस थे या फिर डाउरी प्रोविजन एक्ट आया, उसमें भी ऐसा था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी को मंदिर नजर रखते हुए एक एक्ट बनाया गया. उसके बाद उसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो फिर फीमेल ओरिएंटेड ही बनाया गया, तो ये प्रिजम्पशन था कि जो हमेशा फीमेल जो है विक्टिम होगी. अब चूंकि डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसा लगा कि जो जितने भी कानून बने हैं उसका मिसयूज भी हो रहा है, तो उस मिसयूज के तहत सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है फीमेल ही विक्टिम हो सकती है, मेल भी विक्टिम हो सकता है, वो भी क्रुएल्टी का. जी जी. तो टाइम टू टाइम ऐसे जजमेंट्स के साथ बहुत लेवल अप्रोच हो रहा है. बिल्कुल, और भी तमाम बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे. वीके शर्मा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं. बहुत स्वागत है शर्मा जी, सवाल कीजिए. मुझे थोड़ा ये फैमिली कोर्ट में रिकवरी वारंट के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी है. जी. कि अगर कोई आदेश 2 अगस्त 2017 को जुलाई 17 तक के रिकवरी का वारंट जारी हो चुका है, तो इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी लिमिटेशन में फाइल करने की पुनः रिकवरी वारंट के लिए? राकेश जी. सर देखिए, 2010 का जैसे इन्होंने बताया तो टाइम तो काफ़ी लैप्स हो गया है. और ये क्या उसमें क्या डिग्री होल्डर हैं या फिर जजमेंट डेटर हैं, अब ये बता दें, ये क्या उनके खिलाफ ऑर्डर हुए हैं या फिर ये इनके फेवर में ऑर्डर हुए हैं? वीके शर्मा जी, ऑर्डर आपके फेवर में है? मेरे फेवर में ऑर्डर हुआ है. जी. और 2 जुलाई 2017 तक की मतलब पीरियड का मेरा ऑर्डर हो चुका है 2 अगस्त. ठीक है. तो आप इसको मतलब इसकी क्या लिमिटेशन रहेगी पुनः साल में फाइल करने का है, तो मुझे कब फाइल कर देना चाहिए? आपको एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आप फाइल कर दीजिए. दूसरी चीज ये है कि आप इसको जिस एग्जीक्यूशन कोर्ट में आप फाइल करेंगे इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए, आप लोकल जो कंसर्न थाना है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं इसके एग्जीक्यूशन में, या फिर जिस कोर्ट में आप इसको फाइल करेंगे. देखिए, टाइम फ्रेम जो है विद इन 1 ईयर का जो आप बता रहे हैं कि 2017 में ऑर्डर हुआ है और आप 2018 चल रहा है, तो आप आई थिंक काफ़ी डिले हो चुका है. आप इसको एज सून एज पॉसिबल फाइल कर दें, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है जिस कोर्ट में आप इसको फाइल करेंगे उसको एग्जीक्यूशन के लिए, इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, और उसमें जो है नोटिस इशू होगा, और अगर वो नोटिस को तामील करने के लिए लोकल जो है पुलिस की भी हेल्प ली जा सकती है इसमें. चलो बिल्कुल, उम्मीद करते हैं वीके शर्मा जी, जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा. हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई विकल्प, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए. मैं स्मृति कार्तिकेय जी आपके पास आऊंगा. जो हम बात कर रहे हैं कि पति के खिलाफ हिंसा से जो है क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, राकेश जी ने भी जो बातें बताई हैं उसके अतिरिक्त आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे डोमेस्टिक वायलेंस कानून के तहत हो या फिर अन्य के तहत, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी किया जाता है बड़ी संख्या में? जी देखिए, अगर पति के खिलाफ हिंसा की बात करते हैं या किसी भी प्रकार की हिंसा की बात करते हैं, तो क्रुएल्टी के अपने बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड्स हो सकते हैं. पर मसलन कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि पति ये प्रूफ कर सकता है कि उसके अगेंस्ट हिंसा हो रही है. जैसे पहला अगर आप ग्राउंड ले लें, अगर पहली बात करें कि अगर पत्नी के सेक्सुअल इंटरकोर्स में पत्नी ये बात मना कर देती है बिना किसी राइम रीजन के कि मैं आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहती, तो ये भी हिंसा के रूप में आएगा पति के खिलाफ. अगर पत्नी आपके ऑफिस के लोगों के सामने या अपने मायके वालों के सामने या घर वालों के सामने आपकी बेइज्जती करती है, अब्यूज करती है आपको, तो वो आपके लिए हिंसा के खिलाफ आएगा पति के खिलाफ हिंसा में. अगर पत्नी आपको पति को अगर इस बात के लिए मानसिक अगर बार बार उत्पीड़न करती है कि वो अपने परिवार से अलग रहे, वो कोई अलग घर बसे, उसके साथ अकेले रहे, तो ये भी मानसिक उत्पीड़न में आता है. उसके अलावा अगर पत्नी जो है वो अपने मायके वालों के सामने अपना मंगलसूत्र तोड़ती है, अगर हिंदू है, अपना मंगलसूत्र तोड़ती है, पति के शर्ट फाड़ती है या इस तरह का कोई भी कृत्य करती है, तो वो भी हिंसा के रूप में आएगा पति के खिलाफ. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है इस पे कि अगर पत्नी
समय पे पति को खाना बनाने के लिए गुस्सा दिलाए, समय पे खाना ना बनाए, उसकी पूरी बात ना सुने, उसको पब्लिक के सामने अब्यूज करे, उसके घर वालों के सामने उसे अब्यूज करे, तो वो भी एक मानसिक उत्पीड़न में आ जाता है। अगर जैसा कि भी साथी ने बताया कि 498A सेक्शन में अगर डाउरी के लिए कोई कंप्लेन होती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर कोई कंप्लेन होती है और बाद में पाया जाता है कि फ्रिवलस है, ये अगर ये पाया जाता है कि ऐसे ही झूठ मूठ से फंसाने के लिए की गई थी, तो भी वो मानसिक उत्पीड़न में आता है पति के खिलाफ। अगर पत्नी के किसी के साथ नाजायज संबंध है शारीरिक, और वो या तो पति के ऊपर झूठा आक्षेप लगाती है कि तुम, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें बोला गया है कि अगर वो पति के ऊपर झूठा आक्षेप लगाती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है और उसको वो ग्राउंड बनाती है डिवोर्स का, अडल्ट्री का, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो अगर गलत है तो भी वो मानसिक उत्पीड़न में आएगा। जैसा आपने ये बात कही कि अगर किसी तरह की प्रताड़ना अगर पति के साथ भी हो रही है तो उसके साक्ष्य है, क्या घर वालों की गवाही मान्य होगी इस परिस्थिति में? हाँ, घर वालों की गवाही मान्य होती है, वही सब चीजें होती हैं जिससे कि ये आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस देखिए हमारे भारतीय में जो कानून बने हैं, हमारे भारत के जितने भी कानून हैं, सारे ज्यादातर कानून जो हैं वो महिलाओं के लिए बने हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं, और हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पुरुषों पे आता है। तो अगर आपको इस स्थिति में अगर किसी पुरुष को ये प्रूफ करना हो कि नहीं हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और मेरी पत्नी मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रही है और उसके खिलाफ जो चार्जेस मेरे अगेंस्ट लगाए गए वो सब झूठे हैं, तो इसमें घर वालों की गवाही होती है, इसमें दोस्तों की गवाही होती है, आपके पड़ोसी आस पड़ोस के लोग जो आपको जानते हैं वो गवाही देते हैं, आपके जो एरिया के पार्षद होंगे वो गवाही देंगे, और इन सब गवाहियों के बेसिस पे ही आपके केस का निस्तारण होता है। राकेश तिवारी जी, मान लीजिए कि अगर ये प्रूफ कर दिया जाता है साक्ष्यों के माध्यम से कि हाँ पत्नी की तरफ से प्रताड़ना की जा रही है, तो उस स्थिति में क्या कुछ कानूनी प्रावधान है सजा को लेकर या फिर जुर्माने को लेकर? देखिए, अभी जैसे अगर क्रुएल्टी हस्बैंड ने ये कहा है कि हमारे अगेंस्ट क्रुएल्टी हुई है, तो देखिए डिवोर्स भी ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं इसमें। अभी रिसेंटली पिछले साल एक जजमेंट आया था जो है राकेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये टाइम टू टाइम ऐसी सर्कमस्टेंसेज अराइज हो रही हैं कि जिसमें ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जो है क्रुएल्टी जो है अगेंस्ट वुमेन ही हो सकती है, इसमें अगेंस्ट मैन भी ऐसे केसेस नजर आ रहे हैं, तो उस केस में आप हस्बैंड के पास ऑप्शन होता है कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। हमने आपको बताया कि अगर अगर वो एलिगेशन इन राइटिंग है तो आप फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं 191 जो है आईपीसी के सेक्शंस हैं, उसके अलावा जो है 211 आईपीसी में भी आप जो है एप्लीकेशन लगा के उनको कन्विक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है क्रुएल्टी अगर प्रूफ हो गई तो आप उस ग्राउंड पर डिवोर्स भी ले सकते हैं जो आप सेपरेशन के लिए आप चाहते हैं उससे, क्योंकि अगर एलिगेशंस ऐसे लगाए गए हैं जो फ्रिबुलस हैं, आपको मानसिक रूप से काफ़ी आप प्रताड़ना झेले हैं, तो उस पे ये टोटल जो है डिपेंड करता है हस्बैंड पे, वो क्या वो लीगल रिकोर्स स्टार्ट करना चाहता है पत्नी के अगेंस्ट में या नहीं। ऐसा सो मोटो नहीं है, सो मोटो एक्शंस कोर्ट के द्वारा नहीं होता कि अगर जो है कोर्ट में महिला जिसने एलिगेशन लगाए थे क्रुएल्टी के वो अगर प्रूफ नहीं कर पाई, अगर हस्बैंड अपने आप को ये उसमें बरी हो गया उस केस में, तो सो मोटो एक्शन कोर्ट नहीं लेती है। अल्टीमेटली ये जो है अभी डिपेंड करता है कि क्रिमिनल मैटरों में प्रोसिक्यूशन जो है वो जो है केस प्रूव करता है कोर्ट में, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर जो है स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, तो उस मैटरों में जो है प्रोसिक्यूशन अगर प्रूव नहीं कर पाया और उसमें एक्विटल मिला है हस्बैंड को, तो उस केस में तो मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में ये सिस्टम है कि अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट का जो है बेनिफिट हस्बैंड को मिला है अगर डाउरी डेथ वाले केसों में, तो उसमें वो फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता। हाँ, उस केसों में जिसमें जो आपको बताया कि जो है 498A का जो इश्यूज हैं उसमें वो चाहे तो डिफेमेशन का भी केस कर सकता है उसके अगेंस्ट में, उसके अलावा आईपीसी में 211 के अंतर्गत वो एप्लीकेशन लग सकता है। चलिए, बिल्कुल, एक और खास मेहमान एसएस उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप किस नजरिए के साथ देखते हैं कि एक पति के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई हिंसा होती है तो कानूनी तौर पर वो इंसाफ के लिए
क्या कितना अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, किस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उपाध्याय जी आवाज पहुंच रही, चलो शायद आवाज तक नहीं पहुंच रही है। मैं स्मृति कार्तिकेय जी आपके पास आऊंगा। जैसा दिल्ली का एक मामला था जहां पर दिल्ली की अदालत ने एक महिला और पति की ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत को खारिज कर दिया था और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उसमें ये साबित हुआ था कि अनुचित धन वसूली को हथियार के तौर पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा था। 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो क्या सिर्फ जुर्माना भर लगाया जाता है या फिर जेल भी भेजा जा सकता है इस तरह के मामलों में? देखिए, जो इस तरह के जो भी मामले होते हैं, अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आपने चार्जेस कौन से लगाए हैं। अगर डाउरी के चार्ज लगाते हैं, आप अडल्ट्री का चार्ज लगाते हैं, आप किसी के साथ में, अगर आपकी पहली विवाह से डिवोर्स नहीं हुआ है और आप ये दावा करते हैं कि उसने दूसरी पत्नी भी रख रखी है, उसका दूसरा परिवार है, अगर आप इस तरह के चार्जेस लगाते हैं तो इसमें जेल जाना, कॉम्पनसेशन मिलना, जुर्माना लगना और डिफेमेशन के चार्जेस लगना, ये आपके पास चार विकल्प बच जाते हैं। और अगर चार्जेस का जो नेचर है वो अगर इंटेंशन में नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल नहीं है, उसकी बेसिक जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर कॉम्पनसेशन डिफेमेशन के केस के विकल्प आपके पास बन जाते हैं। चले बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि दरअसल जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर जाता है और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने एक नए विषय के साथ मौजूद रहते हैं। एसएस उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपाध्याय साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक पति अगर खुद प्रताड़ना का शिकार होता है तो कानून उसके पास क्या राइट्स हैं? कानून उसके पास राइट बहुत बहुत कुछ है, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है। कानून जो है सबको समान अधिकार देता है जीने का, सुरक्षा का है। और यदि पत्नी परेशान करती है पति को तो वो लीगल सहायता भी ले सकता है, कानूनी मुकदमा भी दर्ज कर सकता है, FIR दर्ज कर सकता है और प्रमाण, लेकिन उसको ये होगा कि प्रमाण जरूर देना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से, कैसे, किस ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है पत्नी के द्वारा, तो वो तो प्रमाण सहित देना पड़ेगा। जैसे कि पत्नी के लिए, स्त्री के लिए नहीं देना पड़ता, स्त्री स्वयं में बयान दे देगी तो स्वयं उसका बयान ही एक प्रमाण माना जाएगा, लेकिन पति के लिए ऐसा नहीं है, पति के लिए तो प्रमाण दे। चले बिल्कुल, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर प्रमाण नहीं होते, घर की चार दीवारी के भीतर अगर प्रताड़ना होती है और साक्ष्य तौर पर अगर कोई भी सबूत सामने नहीं रहता, तो उन परिस्थितियों में क्या इंसाफ से दूर रह जाता है एक पति जो खुद प्रताड़ना शिकार हुआ हो? एक दर्शक हमारे साथ MD चौधरी साहब जुड़ गए हैं झारखंड से, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए जी। अब ये है कि एक है ना दारू पीता है, उसका पति है जी, हेलो, उनकी दो लड़कियां पढ़ती है, एक लड़की में एक रांची में जी, एक लड़का है 18 वर्ष का, वो भी काम कर रहा है यहाँ पर रांची में जी जी। उसका पति का स्थिति ये है कि वो दारू रोज पी लेता है भट्टी में 20-25 वर्ष है, उसकी जो पत्नी है उसको बर्तन बर्तन लोगों के घर में, हमारे घर में भी बर्तन मांज के और सब कर रही है, उसका पूरा पूर्ति कर रही है जी जी। वो जब तक उसके घर से बर्तन ले जाके दारू वाले के यहाँ रख देता है, जब तक उसको गाली गलौज करके बोलता है तुम घर से निकल जाओ, भाड़ा ये दे रही है और वो उसको बोलता है घर से निकल जाओ। अभी वो घर से निकली हुई है बेचारी और आज हमारे यहाँ काम पर 11 बजे आई तो कोई मौसा है उसके यहाँ गई है, उसका असली घर है वहाँ लड़की तरफ उसका ससुराल है जी जी, ससुराल पक्ष वाले के यहाँ भी उसको छोड़ के आई तो साला वहाँ पर भी दारू पी पा करके फिर आ गया लड़की। ठीक, MD चौधरी साहब, हम समझ गए कि दिक्कत असल क्या है। राकेश तिवारी जी, क्या सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, इनको जो है, जो महिला है उसको पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि दारू पीने के बाद वो मारता पीटता भी होगा
उसके अलावा जो है ये जो है मेंटेनेंस के लिए जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी बेनिफिट ले सकती हैं। उसके अलावा जो है 125 सीआरपीसी के तहत जो है गुजारा भत्ता के लिए ले सकती हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी हस्बैंड की है कि जो है लुक आफ्टर करने की देखभाल करने की जिम्मेदारी गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी हस्बैंड की है, वो अपने दायित्वों से भाग नहीं सकता जी। तो इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब चूंकि अगर इकोनॉमिकली वीक हैं, अगर लीगल रेमेडी किसी इंडिविजुअल एडवोकेट से अवेल नहीं कर सकती, तो जो जिला अदालतों में जो है डीएलएसए होती है, जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस होता है, वहाँ अप्रोच करें, वहाँ फ्री में इनको एक एडवोकेट मिल जाएंगे और वो जो है इनको मदद करेंगे इनके लीगल राइट्स को प्रोवाइड करने में। मैंने कहा कि इनको जो है ये चाहें तो डिवोर्स भी ले सकती हैं उसे, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि परिस्थितियाँ काफ़ी नाजुक हैं और वो डेली रूटीन है उसका कि दारू पी के आता है, वो मारता पीटता है और जो भी लायबिलिटी है उससे बचना चाहता है। तो बेहतर होगा कि पहले तो ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12 जो है उसके तहत कंप्लेंट फाइल करें, और उसके अलावा जो है 125 सीआरपीसी के तहत जो है गुजारा भत्ता के लिए आवेदन करें और कानूनी सहायता के लिए जो है जिला विधिक सेवा केंद्र पे जाएं। और फ्री लीगल एड भी इन्हें उपलब्ध हो सकता है। उम्मीद करते हैं एमडी चौधरी साहब, जो अभी तरीका राकेश तिवारी जी ने बताया है, अगर वो तरीका अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी समस्या है उसका छुटकारा उससे जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर अपनी बारीकी से राय रखने के लिए और उन कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछे। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है जानकारियों के अभाव के चलते, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन के साथ। फिलहाल हमारी आज के खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।